मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हामिला खातून को दाखिल न करने और नामालूम बच्ची की हिलाकत पर 5 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज को मुअत्तल कर दिया गया है। मामले की इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं रहम यूसुफ जई से। रहम आगाह कीजिएगा, 24 न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया है, अमले को मुअत्तल कर दिया गया है, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल डायरेक्टर की सरबराही में 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है और उनको ये हुक्म दिया गया है कि रात के वक्त जितने भी लेबर रूम में जितने भी डॉक्टर्स थे और जो नर्स स्टाफ का अमला था उनके खिलाफ कार्रवाई करे और हंगामी बुनियादों पर उन 5 डॉक्टरों को और 3 नर्सों को तो फौरी तौर पर उनको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन मजीद इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया है। कल रात यहाँ पे मर्दान ही की रिहायशी खातून आई थी और उनको लेबर रूम में जगह ना मिलने के बायस उनको दाखिला ना करने के बाद लेबर रूम के बाहर बच्चे की पैदाइश हुई थी जो कि सर्दी की वजह से वो बच्ची दम तोड़ गई थी। 24 न्यूज ने मामले को उठाया तो फौरन मेडिकल डायरेक्टर को भी होश आया और जल्दी से इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी और जो स्टाफ उस वक्त ड्यूटी पे था उनको कुछ वक्त के लिए मुअत्तल भी कर दिया गया और मजीद इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रहम यूसुफ जई आपका।